पानीपत में भी आ जाए में के आह्वान पर निजी अस्पताल संचालक हुए एकजुट। पानीपत के होटल स्काईलार्क में डॉक्टरों ने हम दिन रात जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा करते हैं, ऐसे में डॉक्टरों पर हमले व उनके दर्ज करना गलत है। साथ ही डॉक्टरों ने बीते दिनों बाबा रामदेव द्वारा डॉक्टरों पर की गई टिप्पणी की भी निंदा की। डॉक्टरों ने पानीपत उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की। पानीपत के होटल स्काईलार्क में डॉक्टरों पर हो रहे हमलों के विरोध में आईएमए के आह्वान पर आज जिला भर के निजी डॉक्टरों ने विरोध जताते हुए ओपीडी बंद रखी। यह ओपीडी सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक बंद रखने का निर्णय लिया गया। आईएमए के डॉक्टर पंकज मुटनेजा व आईएमए के पूर्व जिलाध्यक्ष आरपी जिंदल ने बताया कि डॉक्टरों पर निरंतर हमले हो रहे हैं, मरीज के साथ आए लोग बिना वजह तोड़फोड़ करते हैं, डॉक्टर से मारपीट करते हैं, जिस वजह से डॉक्टरों को काफी दिक्कत होती है। इसके अलावा कई बार मरीज के अभिभावकों के दबाव में या अन्य लोगों के दबाव में पुलिस प्रशासन भी डॉक्टर पर मामले दर्ज कर देता है, जिससे डॉक्टर की प्रतिष्ठा पर भी आंच पहुंचती है और उन्हें कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, जिससे उनका धन और समय दोनों बर्बाद होता है और बेकसूर होते हुए भी उन्हें बिना वजह परेशान होना पड़ता है। डॉक्टरों ने बताया कि डॉक्टरों पर निरंतर हो रहे हमलों के विरोध में कई डॉक्टरों ने अब रात के समय ओपीडी करनी बंद करनी पड़ रही है। उन्होंने मांग की कि सरकार सख्त नियम बनाकर डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान करे। Under no circumstances we shall at all tolerate any sort of this profession is going to become extinct or it is going to be intruded by rogues. The country is observing a protest day. Our main demand remains, please, 24-25 states. But even today you go to a policeman or a police station, a part of the central law, something like 302 or 304A, I'm working. Or we say we shut our shop. The importance of a doctor became evident. The 500 died. They went for the country, we are also going for the country. But nobody seems to understand that. It is time. All respected doctors. कितने साल हो गए पिटते हुए डॉक्टर्स को। डॉक्टर साहब ने बताया, अभी बात कर रहे थे, एक ड्राइवर की बात होती है, आपने तो मार दिया, ये क्या है? और वो फिर वायलेंस, ओनली नॉट ओनली द वर्डिंग इज द वायलेंस एंड ओनली द वायलेंस व्हिच दे डिड ऑल ओवर। आप भी देख रहे हैं कोविड में हम सारे मेडिकल फ्रेटर्निटी सारे कंट्री की में कितना मेहनत और कितना अपने जान पे लगा कर काम किया है, उसके बावजूद भी जो एक सोसाइटी में जब भी कुछ डेथ होती है, चाहे रोड साइड एक्सीडेंट को ड्राइवर को नहीं डॉक्टर को पीटते हैं, किसी की पॉइजनिंग से डेथ होती है तो जहर खाने वाले के आसपास वाले उसके नहीं पर डॉक्टर को पीटते हैं। सिमिलरली कोविड में भी अगर हम कोई हेल्थ इश्यूज प्रमोट कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट, वैक्सीनेशन हो चाहे डेथ हो, वायलेंस फर्स्ट थिंग फ्रंट लाइन वर्कर पिटता है। और ये एक फिनोमेना पिछले दो डेकेड से 20 साल से इट हैज़ बिकम मोर रैम्पेंट। अब ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंसेस नहीं रह गए हैं, वेदर इट इज़ अ बड़ा हॉस्पिटल, वेदर इट इज़ सिविल हॉस्पिटल जो फ्री सेवा भी करता है, वेदर इट इज़ अ स्मॉल हॉस्पिटल, सब में एक ये ट्रेंड बन गया है कि मारो डॉक्टर को मारो। रिजल्ट क्या होने वाला है? या तो ये प्रोफेशन एक्सटेंट हो जाएगा या दे विल नॉट बी एबल टू सर्व और डिफेंसिव मेडिसिन प्रमोट करेंगे। द मोमेंट देर इज डिफेंसिव मेडिसिन बनाए गए हैं, कहाँ खामियां रही हैं? ये कानून सरकार ने बनाए थे विच वॉज पास्ड बाई 24-26 स्टेट्स ऑफ द कंट्री, बट द थिंग इज जब स्टेट पास करती है इवन द पुलिस स्टेशन डजंट नो कि ये हमारा कानून है, वो एक बार ही तो डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लेती है, केस रजिस्टर कर लेती है, बाद में
निकलता है कि ही इज़ नॉट गिल्टी, पर बाय द टाइम 3-4 ईयर्स डॉक्टर अपना बेल के चक्कर में, कोर्ट के चक्कर में, ग्रीवेंस कमेटी के चक्कर में, सीएम विंडो में ही कीप्स रोमिंग अराउंड 5 ईयर्स ऑफ हिज फ्रूट, वो क्या करेगा अल्टीमेटली? डिसइंचांटेड विद द प्रोफेशन, और वो कहेगा बॉस कि हल्के काम करो, सीरियस पेशेंट मत लो, डिफेंसिव मेडिसिन करो, एंड अल्टीमेटली नुकसान सोसाइटी का है, लोगों का है। तो ये मांग हमारी यही है कि आई थिंक नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू लिसन। ये मांग हमारी कई सालों से रही है, बट अब ये एक अल्टीमेट हो गया है कि इट हैज़ टू बिकम अ सेंट्रल लॉ। आईपीसी में ये आना चाहिए, द वे 302 अटेम्प्ट टू मर्डर, 304 एक्सीडेंट, सिमिलरली वायलेंस एट प्लेस ऑफ वर्किंग अलॉन्ग विद इन द हॉस्पिटल्स इन द हेल्थ केयर यूनिट्स have to become an IPC law. It has to be passed by the central law. I hope our Home Minister is listening. I hope the Prime Minister is listening. It is time he acts. विरोध की बात आपको सबको मालूम है, उन्होंने कैसा एलोपैथी को स्टूपिड बोल दिया, वो जाने उनकी आपका उनकी अकल जाने, जैसे भी है हम एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, हमने अपना काम किया है, करेंगे, आगे भी करेंगे। हम कभी आयुर्वेदिक को हम कभी मना नहीं कर रहे कि बुरी साइंस है, परंतु एलोपैथी तो स्टैंड करती है और एलोपैथी ही आगे भी स्टैंड करेगी, खासकर सर्जिकल फील्ड में तो कोई इसकी कोई मात ही नहीं है। दूसरी बात, आज के दिन हमें क्या चाहिए? हम तो काम करने का एटमॉस्फेयर चाहिए, ठीक एटमॉस्फेयर मिले, काम करें। हमें देखो यही मरीज आएंगे भी, सीरियस भी होंगे, मरेंगे भी, परंतु हमारा तो अपने दिल से काम करने की इच्छा है। काम करते समय ये डर लगता है, हाय ये कोई मारेगा तो नहीं, हाय कुछ हो गया इसको तो क्या करूं, शुड आई रियली अटेम्प्ट इट, शुड आई सेंड इट, आप करूं या ना करूं, हमारे दिल में यही प्रोटेक्शन चाहते हैं। हम प्रोटेक्शन ये चाहते हैं कि हमें एक तो पेशेंट को सबको पता लगे कि भैया डॉक्टर्स को ये मार खाने वाली बात नहीं है, मार कैसे मत कीजिए, उनको भी ये पूरी अक्ल देनी चाहिए। नंबर टू, उनको ये पता होना चाहिए अगर हमने कोई भी ऐसा इंसिडेंट किया है तो उसी समय उनको भी सज़ा मिलने वाली है, दे विल बी बिहाइंड द बार, उन पर जैसे डॉक्टर पंकज ने बोला उन पर भी सज़ा होगी, धारा लगेगी, ताकि डॉक्टर को लगे कि मेरी प्रोटेक्शन के लिए सरकार मेरे साथ है।